नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो रामपुर की मिलक नगर पालिका से सपा प्रत्याशी केतकी देवी के लिए सपा नेता अब्दुल्ला आजम ने चुनावी सभा को आज संबोधित किया है। अब्दुल्ला आजम ने मिलक के खाता कला गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अब्दुल्ला आजम ने बिना नाम लिए रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना पर तंज कसा। अब्दुल्ला आजम ने आकाश सक्सेना को संविदा का विधायक बताया है। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि पुलिस के डंडे से वो 4 साल के लिए संविदा के विधायक बने हैं। अरे रामपुर से भी एक संविदा के विधायक बन रहे हैं पुलिस के डंडे से। 4 साल की संविदा लगाएंगे। और सबसे बढ़िया बात है, उन्होंने मतलब आदमी अगर अपनी बातचीत में ईमानदार रहे तो जीतने के अगले दिन उन्होंने खुद कह दिया कि मैं कैसे जीता हूँ ये मुझे भी मालूम है। क्योंकि उससे 1 साल पहले वो जेल में लेटे हुए एक शख्स से करीब 60,000 वोटों से हारे थे। वो आपके बसपा प्रत्याशी जो है उनके आते हैं, क्यों आते हैं, राजनेता है भाई ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमारे लिए कम से कम एक बात की कहने की है कि हम जिसके होते हैं उसके होते हैं और जिसके नहीं होते हैं तो फिर उसके नहीं होते हैं। अगर आपके हैं तो आपके हैं और उसके लिए हर कीमत अदा करी है और मालिक ना करे आगे अदा करनी पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार है। क्योंकि आपके हैं तो इंशाल्लाह हमेशा आप ही के रहेंगे। आपको बता दें कि रामपुर में निकाय चुनाव के चलते सपा प्रत्याशी के पक्ष में आज आजम खान को 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करना था, लेकिन खराब सेहत के चलते आजम खान आज जनसभा को संबोधित नहीं कर पाए। हालांकि अब्दुल्ला आजम सपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे और आजम खान और अब्दुल्ला आजम को मिलक और बिलासपुर में जाना था, लेकिन सेहत खराब होने की वजह से आजम प्रचार के लिए नहीं निकले और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम प्रचार के लिए मैदान में उतर पड़े। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आजम खान कुछ दिन पहले ही दिल्ली से अपना इलाज कराने के बाद रामपुर पहुंचे, लेकिन अभी भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं। इधर निकाय चुनाव के रण में सीएम योगी ने भी आज ताबड़तोड़ जनसभाएं की है। मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में सीएम ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार किया। इस दौरान सीएम ने लोगों से अपील की कि भाजपा के प्रत्याशियों को जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में मदद करें जिससे विकास और तेजी से हो। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की साख बड़ी है। साथ ही सीएम ने प्रदेश की पिछली सरकारों पर भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तीखे प्रहार किए। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई क्राइसिस आती है, भारत की ओर आशा भरी निगाहों से दुनिया देखती है। आज भारत दुनिया के अंदर अपने टैलेंट के कारण, अपनी टेक्नोलॉजी के कारण और अपने युवाओं की ट्रेनिंग के कारण जाना जा रहा है। आज भारत के अंदर तुष्टीकरण नहीं होता है। आज नए भारत के अंदर अपने नागरिकों के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हुई तो भारत के सशक्तिकरण की राह प्रारंभ हुई और ये सशक्तिकरण की राह का ही परिणाम है कि करोड़ों लोगों को मकान मिल गए। आज उत्तर प्रदेश के शहर सौदों के आतंक से भयभीत नहीं बल्कि सेफ सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के शहर कूड़े के ढेर नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी के रूप में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश अपने साफ और सेफ सिटी के लिए जाना जाता है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी विशेष के कुछ युवाओं के हाथों में, कुछ उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में तमंचे लहराए जाते थे, व्यापारियों को भयभीत करते थे, आम नागरिकों को भयभीत करते थे। आज तमंचा नहीं, आज यूपी के नौजवान के हाथ में टैबलेट है। टैबलेट
तो सीएम योगी के ब्रज क्षेत्र के तूफानी दौरे पर आगरा नगर निकाय संयोजक डॉक्टर जीएस धर्मेश का बयान सामने आया है। जीएस धर्मेश का कहना है कि मामला एक तरफा हो चुका है, सभी 17 नगर निगमों में कमल खिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जबरदस्त अपील की है नगर निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी और अन्य नगरीय निकाय जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में। उन्होंने कहा कि अब आगरा में शहदों का आतंक नहीं है, ये सेफ सिटी है, लगातार यहाँ विकास के काम हो रहे हैं। और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसमर्थन मांगा है। हमारे साथ आगरा जो नगरीय निकाय संयोजक डॉक्टर जी एस धर्मेश जी हैं। सर, ये मुख्यमंत्री की अपील के बाद अब किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अपने मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री दृढ़ निश्चयी मुख्यमंत्री कर्मयोगी मुख्यमंत्री मतलब कहना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री आज योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने यहाँ रैली को भाई विशाल सभा को जो संबोधित किया है और हमें विश्वास है नगर निगम में हमारे महापौर पद का जो प्रत्याशी हैं हेमलता दिवाकर जी ये भारी बहुमत से जीतेंगी और 80 से ज़्यादा सीट पा करके हमारे पार्षद भी विजयी होंगे। बहुमत की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निगम आगरा में बनेगी। इधर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के लिस्ट जारी होने के बाद अलग अलग पार्टियों में बागी सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद में भी भाजपा में बगावती तेवर देखने को मिले हैं। यहां चुनावी कार्यालय पर हंगामा और मारपीट देखने को मिली। हालांकि गाजियाबाद के भाजपा के प्रभारी अमित वाल्मीकि का कहना है कि लिस्ट को लेकर कुछ नाराजगी थी लेकिन काफी कार्यकर्ताओं को समझा लिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के प्रभारी हैं अमित वाल्मीकि। पल्लव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बागी जो है उनसे किस तरह निपटेंगे आप, क्योंकि वार्डों में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि खड़े हो गए हैं आपके पार्षदों के जिन्हें आपने टिकट दिया है। ऐसा है कि अंतिम समय में क्योंकि सूची फाइनल हुई और भारतीय जनता पार्टी के जो आवेदन करने वाले थे उनकी सूची बड़ी लंबी थी, तो जिन्होंने बागी के रूप में प्रत्याशी बने हैं उनको समझाने का प्रयास किया गया है और बड़ी संख्या में सबने पर्चे वापस भी लिए हैं अपने जो नामांकन किया था और पूरी पार्टी मजबूती से लगी हुई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वार्डों में भी जीतेंगे और मेयर का भी कैंडिडेट पिछली वोटों से अधिक जीतेगा। वही मेरठ में मेयर के चुनाव में सपा के विधायक अतुल प्रधान और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दोनों ही नेता गुर्जर बिरादरी से आते हैं। सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान समाजवादी पार्टी से मेरठ नगर निगम से मेयर के प्रत्याशी हैं, जबकि मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर पर भाजपा प्रत्याशी हरिकांत अहलुवालिया को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही आपको बता दें कि जिस वार्ड 26 में विधायक अतुल प्रधान और सीमा प्रधान रहते हैं उसी वार्ड में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का भी आवास है। जिन गुर्जर वोटों के दम पर सोमेंद्र तोमर मेरठ दक्षिण से दूसरी बार विधायक बने उसी गढ़ के गुर्जर वोटों पर अब अतुल प्रधान की नजर। जो कहने वाले लोग हैं वो बेचारे किसी ने लिख के दे दिया होगा कुछ, इसलिए बोल दिए होंगे। अब वो लिख के बोले या सचमुच में बोले वो ही जाने। हम लोग सिर्फ एक चीज़ पर चल रहे हैं कि यहाँ पर इस मेरठ में एक सरकारी लोग हैं और एक उसकी आलोचना या उसकी जो आप समझिए उसकी साइड से दूसरे वाले लोग हैं। तो जो सरकार वाले लोग हैं वो सरकार की बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं उन्हें हराने की। और निश्चित रूप से भाजपा का अगर विकल्प उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में अगर विकल्प कोई है तो अखिलेश यादव जी है, और मेरठ में इस समय कोई विकल्प अगर है तो वो अतुल प्रधान है। अभी आप एक बात कर रहे थे लोगों से, हम देख रहे थे बार बार कि एकजुट रहना, कुछ ऐसी बातों पे ध्यान मत देना, कुछ लोग जहरीली बातें कर सकते हैं, तो किन पे आपका निशाना था, कौन लोग कर सकते? निशाना ये तो भाजपा के लोग ही बोलते हैं जहरीली जवान, आप ये कहीं देख लो इनको। अब मैं आपके ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे बोल रहा हूँ कि आप किसी के भाषण इनको उठा के देख लो, ऐसे भाषण जितना चुनाव नज़दीक होता जाएगा उतना ही हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश गाय भैंस गोबर इसी पे चर्चा ये लोग करते हैं। हम लोग कहते हैं कि गाय माता जिसको हम लोग भी पूजते हैं रोटी पहले निकाल कर दे के आते हैं हम लोग, आप बताइए कान्हा गौशालाओं का क्या हाल है। आज मैंने सदन में खड़ा होकर कही कि आप 30 रुपये रोज के दे रहे हैं कान्हा गौशालाओं के नाम पर, कैसे गौ माता की रक्षा करेंगे? आज सबसे ज़्यादा छुट्टा जानवरों की दिक्कत अगर कहीं पे है तो इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ फसलों को दिक्कत है वहीं आप पूरे शहर में कहीं घूम कर देख लीजिए आवारा जानवर आपको घूमते मिलेंगे, कोई इन्होंने व्यवस्था नहीं कराई। और ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ की पूरी सियासत करते हैं। और इस बार
मेरठ का जो चुनाव होने जा रहा है वो 36 बिरादरियां हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ रहे हैं। इस मेरठ में सीमा प्रधान के टिकट समाजवादी पार्टी के होते ही माननीय अखिलेश यादव जी की देते ही हिंदू मुसलमान का इनके काम करने का बोलने का एपिसोड ही खत्म हमने कर दिया। समाजवादी पार्टी ने सीमा प्रधान को उतारा है, उनके पति अतुल प्रधान विधायक हैं, गुर्जर बिरादरी से आते हैं, आप भी आते हैं, तो बस एक ये चर्चा चल रही है कि गुर्जर किस। देखिए गुर्जर 2014 की यदि मैं बात करूँ, ये जाति व्यवस्था 2014 में ख़त्म हो गई, मोदी जी के चुनाव के बाद जाति व्यवस्था ख़त्म हुई है। लेकिन मैं 14, 17, 19 और 22 यदि इन चुनाव की बात करूँ तो 95% देश के और उत्तर प्रदेश के गुर्जरों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, क्योंकि गुर्जर जो है, गुर्जर एक क्षत्रिय कौम है, गुर्जरों ने हमेशा जो धर्म की रक्षा करता है, जो देश के विकास की बात करता है, जो संस्कृति की बात करता है, गुर्जर उसके साथ है। और हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जितना नुकसान प्रदेश और देश का किया है, हमारी जो शहीद हुए लोग उनका अपमान किया है, मैं कह सकता हूँ कि 2017 के बाद चाहे कोतवाल धन सिंह गुर्जर की हम लोग बात करें, एक पहचान देने का काम किया है तो मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है। और हम अपने जो इतिहास में जिन लोगों ने शहादत दी उन लोगों को नमन करते हुए, ये क्रांतिकारी कौम, क्योंकि जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत करी, 1857 की क्रांति के नायक को अपनी प्रेरणा मानकर भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नेतृत्व है, योगी जी जो उत्तर प्रदेश की पहचान पूरे देश के अंदर बना रहे हैं, और मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर हमारी पहचान बनाई है, भूपेंद्र चौधरी जी जो हमारे संगठन के नेता हैं, इन सब की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी और गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ। वही हरदोई पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा सरकार में गुंडई और अराजकता के काम हुए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी डिरेल हो चुकी है, अब सपा के पास कुछ नहीं बचा है। सपा के नेता सिर्फ एसी कमरों में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि हरदोई में भाजपा के प्रत्याशी सभी निकायों में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर रहे हैं। आप चारों तरफ निकल करके देख लीजिए, हम लोग पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। हरदोई जनपद में भी हमारे सभी प्रत्याशी कमल चुनाव चिन्ह पर प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। यहाँ मल्लावा नगर पालिका में आदरणीय सुशीला जी प्रचंड बहुमत से जीत करके जीत पंचायत में जाएंगे, और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ यहाँ जो जनसैलाब उमड़ा है उसको देख करके कोई संशय नहीं रह गया है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इकट्ठा होकर कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं, कहने वो डिरेल्ड हो चुके हैं, वो केवल सोशल मीडिया तक और वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया। वहीं उन्नाव पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनता से भाजपा के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। डिप्टी सीएम ने लोगों से शहर के बेहतर विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गंगाघाट नगर पालिका परिषद और बांगरमऊ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। चुनाव में उन्नाव जनपद में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को पार्षदों सहित जिताने की अपील आज हमने की है। बांगरमऊ में पुलिस गुप्ता जी सहित सभी प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से कमल के आगे बटन दबाकर जिताएं और नगर निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार को स्थापित करें। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, विपक्षी दल बहुत पीछे है, खासकर समाजवादी पार्टी से सभी दल घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं और योगी जी के लाइन आर्डर को लेकर जनता के बीच में है, और जनता का अपार समर्थन मिला प्रचंड बीजेपी जीतेगी। तो यूपी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में दिल्ली से लेकर पंजाब तक के मंत्री प्रचार करते नजर आएंगे। अगले एक से दो दिन में दिल्ली और पंजाब सरकार के मंत्री प्रचार में जुटे दिखाई देंगे। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ में इस समय आम आदमी पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी है, उन्हीं से जानते हैं क्या रणनीति है। वैभव जी, किस तरह से उत्तर प्रदेश में आप लोग प्रचार अभियान अपना चलाएंगे? ऐसे बाकी दल जो है कोई विधायकों को उतार रहा है, भाजपा की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी किस तरह से प्रचार अभियान में? देखिए, कहने को तो छोटा चुनाव है लेकिन बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में 4000 से ज़्यादा सीटें हैं और इसमें हज़ारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मेनली ये चुनाव स्थानीय बहुत लोकल मुद्दों के ऊपर होता है, लेकिन फिर भी जनता के बीच में जाने के लिए चर्चित चेहरों की ज़रूरत पड़ती है, तो जिसमें आम आदमी पार्टी के पास ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। बहुत ही चर्चित और बढ़िया
जो लोग अपनी पहचान बना चुके हैं ऐसे नेताओं की यहाँ पर, युवा नेताओं की भरमार है। तो हम ये देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के तमाम MLAs हैं उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनका UP से कनेक्शन है, तो UP से कनेक्शन वाले MLAs को भी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। लगभग 25 की संख्या में ऐसे MLAs यहाँ पर हैं। इसके अलावा पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में भी 2-3 लोग ऐसे होंगे प्रोमिनेंट, ख़ास तौर से मिस्टर जीवनजोत कौर जो अमृतसर के MLA हैं जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को हराया था, उनका भी आने का कार्यक्रम है। हमारी दिल्ली की नव निर्वाचित मेयर जो हैं शैली ओब्रॉय, उनका भी यहाँ पर प्रोग्राम लगाए गए हैं। हमारे मध्य प्रदेश की जो सिंगरौली के मेयर हैं रानी अग्रवाल जी, उनका प्रोग्राम भी यहाँ लगाया गया है। तो कुल मिला के ये कि पार्टी एनालाइज कर रही है कि कौन सी सीटों पर वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, किन सीटों पर ज़्यादा चांसेस हैं, तो वहाँ पर कोशिश करके और तमाम और समीकरणों के आधार पर इन लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है और ये जाएंगे और निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेंगे वोटर्स के बीच में। और वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। बढ़ेंगे खबर कानपुर देहात से है, जहां एक शिक्षक ने निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए कुछ शर्तें रखी है। शिक्षक ने कहा है कि उनकी ये शर्तें जो पूरा करेगा उसी को वोट देंगे। बकायदा शिक्षक ने अपने घर के बाहर पोस्टर भी लगाया है जिसमें उसने अपनी सभी 8 शर्तों को लिखा है। आपको बता दें कि शिक्षक की शर्तें कुछ इस प्रकार है, जैसे जो परिवारवाद, जातिवाद रहित, लोकतंत्र रहित, चाहे जो पूरा राष्ट्रगान सुना सकता हो उसे ही वोट देंगे। यहाँ के जो मतदाता हैं उन्होंने प्रत्याशियों के लिए एक चुनौती साबित कर दी है। अब इस चुनौती को जो पूरा करेगा वही यहाँ से मत पा पाएगा। हमारे साथ नवीन जी हैं, नवीन जी से बात करेंगे। नवीन जी ये बताइए कि जो आपने शर्तें रखी हैं प्रत्याशियों के लिए आखिर क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि जो भगत सिंह ने कहा था कि बंदूकें बो रहा हूँ, आज अगर मैं नन्हे मुन्ने बच्चों पर काम होगा तो निश्चित रूप से चित्रकला प्रतियोगिताएं हों, पर्यावरण के संबंधित प्रतियोगिताएं हों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बच्चे जानें, तो ये बच्चे जब जानकार बनेंगे, पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे तो ISPCS में होने वाले पर्यावरण पेपर के लिए बच्चे तैयार होंगे। आज का लगाया हुआ वृक्ष 20 साल बाद फल देता है, इसी तरह से आज का जाना हुआ बच्चा। और चलिए ऐसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।